फेसबुक ने जब से कॉमर्स मैनेजर लॉन्च किया है तब से हमें शॉप मैनेज कॉमर्स मैनेजर से करनी पड़ रही है। तो नॉर्मली हमें क्या इशू फेस करना पड़ रहा है कि कॉमर्स मैनेजर का एक्सेस, अगर आप क्लाइंट के पेज पर वर्क कर रहे हैं तो कॉमर्स मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है। नॉर्मली हमें शॉप क्रिएट करना फेसबुक अलाउ नहीं करता, तो एक्सेस लेने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपने ये स्टेप फॉलो करना है। या तो आप फेसबुक से जाके एड्स मैनेजर ओपन कर सकते हैं, या आप बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम ओपन करें। आपने किसी भी यूज़र को कॉमर्स मैनेजर का एक्सेस देना है तो आपको सबसे पहले उसे बिजनेस मैनेजर में ऐड करना होगा। बिजनेस मैनेजर में ऐड करने के लिए पीपल पे क्लिक करना है और ऊपर टॉप पे ऐड का बटन दिया हुआ है, ऐड पे क्लिक करके उसका ईमेल आईडी टाइप करना है। जो कि मैं अपना ही दूसरा ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। और अगर एम्प्लॉई एक्सेस देना चाहते हैं तो एम्प्लॉई एक्सेस ऑन कर दीजिए, अगर एडमिन एक्सेस देना है, बट एडमिन एक्सेस में जितना एक्सेस आपके पास है सेम सारे राइट्स उसके पास भी चले जाएंगे। तो नॉर्मली हम टीम मेंबर्स को या अगर मार्केटर को एक्सेस देना है तो हम एम्प्लॉई एक्सेस देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपका पेज न्यू पेज एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट नीचे आ रही होगी। अगर क्लासिक पेज है जो कि पुराने वाले पेजेस से फेसबुक के जो नॉर्मली अभी तक चल रहे हैं, तो अगर क्लासिक पेज है तो यहाँ से क्लासिक पेज आपने सेलेक्ट करना है। क्लासिक पेज में पेज आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मुझे एक्सेस देना है कि मैं किस किस चीज़ पे एक्सेस को देना चाह रहा हूँ। मैं पब्लिश कंटेंट पे देना चाह रहा हूँ, कम्युनिटी एक्टिविटी, सेंड मैसेजेस, क्रिएट एड्स, व्यू परफॉर्मेंस। नॉर्मली टीम मेंबर्स को अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो आप व्यू अर्निंग इनसाइट्स का एक्सेस नहीं देना चाहेंगे और फुल कंट्रोल जो है वो नहीं देना चाहेंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इन दोनों को भी ऑन कर सकते हैं। और ये करने के बाद मैं इसको इनवाइट करूँगा। इनवाइट करते ही यूज़र के पास ईमेल चली जाएगी जिससे वो क्लिक करके अपना इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो हमारे बिजनेस मैनेजर में उनको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब वो ऐड हो जाएंगे बट उनको अभी तक हमने असाइन नहीं किया कि वो क्या क्या टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमने उनको कॉमर्स मैनेजर देना है या ऐड अकाउंट में ऐड करना है तो हम उसके बाद जब वो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद हम उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर उनको ईमेल नहीं जाती तो यहाँ पे आप रीसेंड पे क्लिक करेंगे, ये यूआरएल कॉपी कर लें, रीसेंड भी कर सकते हैं इनविटेशन। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं ये यूआरएल कॉपी करके क्लाइंट से अगर एक्सेस मुझे चाहिए या टीम मेंबर को देना है तो मैं उनको कहता हूँ मुझे यूआरएल भेज दें, या मैं उनको यूआरएल व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ये मेरा दूसरा आईडी है, यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट करता हूँ। मैंने वो यूआरएल ओपन किया है और फेसबुक में लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस मेरे सामने आएगा जिसमें मैं अपना नाम लिख सकता हूँ कि किस नाम से वहाँ पे मैं ऐड हो जाऊँ। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, एक्सेप्ट इनविटेशन। मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है और यहाँ से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इस ईमेल आईडी पे यूज़र, मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया है, अब यहाँ पे पेंडिंग शो नहीं हो रहा। इसके बाद मुझे कॉमर्स मैनेजर का एक्सेस देना है तो कॉमर्स अकाउंट्स में जाऊँगा। यहाँ से जाके वाइस्टा के अकाउंट में मैंने देना है एक्सेस, तो इसको सेलेक्ट किया है, ऐड पीपल पे क्लिक करना है। यहाँ से मुबीन मकबूल आईडी शो हो रही है और यहाँ से मैं अलाउ कर सकता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ पे एक्सेस देना है। मैनेज शॉप पे देना है, एडिट सेटिंग्स पे देना है, मैनेज प्रमोशन पे देना है, व्यू इनसाइट्स पे देना है, और अगर फुल कंट्रोल देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक कर दें असाइन और आपको एक्सेस मिल गया है कॉमर्स मैनेजर में। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कॉमर्स का ऑप्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये मुझे कैटलॉग, शॉप्स और शॉप के एड्स सब चीज़ों पर एक्सेस मिल गया।